स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सारे बच्चे मेरे बहुत अच्छे होंगे। आप लोग और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, है ना बेटा? आपका पीटीएम भी ओवर हो गया है अब बेटा। काफ़ी दिन से आपकी हिंदी की क्लासेस नहीं चल पा रही थी क्योंकि हम अवेलेबल नहीं थे, ओके? बट अब रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी, आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके? बेटा इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 अच्छा इंसान बनूंगा ओवर फिनिश करा दिया था, है ना? वो ख़त्म हो गया ना, सारे बच्चों ने कर लिया, ओके? तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। उस चैप्टर का नाम है कल सपने में, ओके? ये चैप्टर नंबर 8 नहीं है बेटा, ये सिर्फ है केवल पढ़ने के लिए, ओके? तो सारे बच्चे मेरे साथ बुक में ओपन करेंगे पेज नंबर 49, और सारे बच्चे मेरे साथ रीडिंग करेंगे, और आज हम बताएंगे कि ये पोएम कितनी अच्छी है, है ना? चलिए मेरे साथ पढ़िए आप लोग। एक बच्ची है जो सपना देखती है, ठीक है? एक बच्ची है जो सपना देखती है, ठीक है? और वो क्या बता रही है? कल सपने में क्या क्या देखा, आओ तुम्हें सुनाऊँ। कहती है बच्ची कि मैंने कल एक बहुत प्यारा सपना देखा है, आओ तुम्हें सुनाते हैं, ठीक है? फिर सपनों की अनुपम दुनिया की चलो सैर करवाऊँ। चलो सपनों की एक अनुपम सी दुनिया की तुम्हें सैर करवाते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, उसने सपने में क्या क्या देखा। पेड़ों पर लटके रसगुल्ले, पैसे बिखरे गली मोहल्ले। उसने क्या देखा कि उसकी जो सपने की दुनिया है बेटा, उसमें ऐसे पेड़ बने हुए हैं और पेड़ों पे क्या है, गोल गोल रसगुल्ले लटके हुए हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों को कितना मज़ा आएगा, पेड़ों पे रसगुल्ले हैं, है ना? हम लोग को तो मिठाई की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, है ना? पेड़ से ही तोड़ के खा लेंगे। और फिर क्या है, पैसे बिखरे गली मोहल्ले। ये देखो, गलियों में ऐसे पैसे बिखरे पड़े हैं, हमें कमाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, है ना? पापा से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे, हम लोग गली मोहल्ले में ही पैसे पड़े रहेंगे अगर ऐसा हो जाए तो। ये क्या है, उस बच्ची के सपने की बात है, उसने अपने सपने में देखा, है ना? फिर क्या देखते हैं, टीचर के हाथों में डोसे, हाथी खाता गर्म समोसे। मतलब कि जो टीचर्स हैं, मींस हम स्कूल पढ़ने जाएंगे तो हमारे टीचर के हाथ में डंडे नहीं होंगे, वो हमें पनिश नहीं करेंगी, उनके हाथों में क्या होगा, डोसे। अगर बेटा ऐसा हो जाए फिर तो बहुत मज़ा आएगी, है ना? और हाथी खाता गर्म समोसे, हाथी को आपने कभी गर्म समोसा खाते देखा है? लेकिन उस बच्ची ने अपने सपने में क्या देखा, टीचर बिल्कुल पनिश नहीं करती हैं, वो डोसा लेके आती हैं और हाथी जो है वो क्या करता है, गरम गरम समोसे खाता है, ठीक है? फिर क्या आगे देखा उसने, हाथ जोड़कर शेर कह रहा तुमको मित्र बनाऊं। शेर को कभी देखा है हाथ जोड़कर? शेर तो सबको खा जाता है जंगल में, लेकिन उसने सपने में देखा शेर हाथ जोड़कर मित्र बनाने के लिए कह रहा है, है ना? फिर उसके बाद कह रहा है, बच्ची ने आगे सपने में क्या देखा, होमवर्क करते दादाजी, मम्मी ने छोड़ी नाराजी। जब हम होमवर्क नहीं करते तो मम्मी गुस्सा हो जाती है ना, डांटने लगती हैं, तो उसने सपने में क्या देखा कि उनका होमवर्क तो दादाजी फिनिश कर दे रहे हैं और मम्मी भी गुस्सा नहीं हो रही हैं। अगर आप लोग के साथ ऐसा हो जाए तो कोई आपको डांटे ही ना होमवर्क करने के लिए, है ना? दादू या घर में जितने भी लोग हैं सब आपका होमवर्क कर दें और आपसे कोई गुस्सा भी ना हो, है ना? फिर तो बहुत मज़ा आएगा सारे बच्चों को, है ना? फिर अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। बिछी बाग में बर्फी प्यारी, रातें बन बैठी हूँ जियारी। अच्छा, बाग में क्या है, देखिए पेड़ों पे रसगुल्ले लटके हैं और बाग में बर्फी बिछी हुई है। कितना प्यारा सपना है, सच में बहुत प्यारा सपना है ना? फिर उसकी बात क्या है, खेलों की आज़ादी ऐसी जब तक बैट घुमाऊं। खेलों की आज़ादी ऐसी जब तक बैट घुमाऊं। बेटा होमवर्क करने को कोई डांट नहीं रहा है, होमवर्क दादू कर दे रहे हैं, मम्मी नाराज़ नहीं है, और खेलने के लिए
खेलने के लिए तो कोई डांट ही नहीं रहा, जब मन करे तब बैट घुमाओ, क्रिकेट खेलो, जो मन करे वो खेलो, कोई भी नहीं डांट रहा है। सोचो कितना अच्छा सपना है। अच्छा आप लोग बताइएगा कभी लाइव क्लास में कि क्या आप लोगों को भी ऐसा सपना आया है? अगर आया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ओके। वैसे ये तो बहुत ही प्यारा सपना है ना। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? फिर कल देखते हैं कि बच्चे ने सपने में और आगे क्या देखा। आप लोगों का होमवर्क है बेटा, आप लोगों का होमवर्क है कि आपको ये जो पोयम है पूरा, इस पोयम को क्या करना है, रीड करना है तेज तेज। और मैंने जैसे पढ़ा था, आपको पढ़ाया समझाया, वैसे ही आपको समझना है, ओके। बस आप लोग इतना करो कि इसको रीड करो, है ना, लर्न कर लो। जैसे कि पोयम अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लर्न भी हो जाएगा और प्यारा सा पोयम भी है, ओके। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट उसी पोयम के अगले हिस्से में, ठीक है? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना ग्रुप में, ओके बेटा। ओके बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।